गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उसे तनवर ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, दोपहर का टाइम है, मतलब दोपहर का 12-1 बजे का भी टाइम नहीं है, करीब 9:30-10 बजे का टाइम है। और यहाँ मैंने बनाई है, झाड़ू पोछा सुबह कर दिया था और सुबह बनाई है मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी और रायता। ये दही रखी है, ये रायते के लिए रखी है। तो मैंने लौकी रख दी थी बॉइल करने के लिए, क्योंकि इनको आज खाना है लौकी का रायता। तो बस मैं वही बनाने की तैयारी में लगी हूँ। और मक्की की रोटी बनवानी है इन्हें, क्योंकि इन्हें बहुत पसंद है। बच्चों को गेहूँ की बनाऊँगी। और ये बैठे हैं रक्षित। तो देखिए, रक्षित को देखिए कितनी आराम से बैठा है और टीवी देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तनवर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो बस मैं अपने काम से फ्री होकर के बैठी हूँ। आज बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो कि आपने देखी है। हमारे पति देव को बनवानी है मक्के की रोटी, क्योंकि उन्हें मक्के की रोटी पसंद है। बच्चों को गेहूँ की बनाऊँगी। और देखिए, सभी त्योहारें निकल गए हैं, अब फ्री हो गई सभी त्योहारों से। बच्चों के एग्ज़ाम हो गए, रिपोर्ट कार्ड भी आ गए, रिजल्ट भी आ गए। त्यौहार सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, दसवीं सब त्यौहार निकल गए हैं। जब ये था कि अभी नौवीं आएंगी, दसवीं आएंगी, इस तरीके से नवरात्रि शुरू होंगे, ये भी था। अब फिर से वही ड्यूटी हमारी शुरू हो गई है कि सुबह जल्दी उठो। सुबह तो मैं वैसे भी जल्दी उठती हूँ। सुबह जल्दी उठो, बच्चों को लंच पैक करो, तैयार करो, लंच पैक करो, बच्चों को छोड़ के आओ, लेकर के आओ। तो फिर से हमारी ड्यूटी वही शुरू हो गई है। बच्चे अब जाना शुरू कर देंगे स्कूल। रक्षित की बुक वगैरह मैं ले आई थी, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि रक्षित की मैं बुक वगैरह मैं लेकर के आ गई थी। और रक्षित सॉरी गोलू की और रुद्र की रह गई हैं, उनके लिए मैं हम दोनों आज जाएंगे, हस्बैंड वाइफ आज जाएंगे हम दोनों लेने के लिए। और वहाँ से हम गोलू की और रुद्र की, रक्षित आ जाता है बार बार, गोलू की और रुद्र की मतलब बुक वगैरह लेकर के आनी है। और रक्षित का बोतल और टिफ़िन भी लेके आना है, क्योंकि एक साल चल गई बहुत है। क्योंकि बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे इतनी जल्दी मतलब चला नहीं पाते हैं अपनी चीज़ों को। जैसे बोतल है, लंच बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स हो गया, ये चीज़ें नहीं चला पाते हैं छोटे बच्चे, इस वजह से। तो बस भाई, मुझे लेकर आनी है इसके लिए। और रक्षित के लिए एक बैग भी लेकर आना है, स्कूल बैग, क्योंकि वो वाला बैग है ना, इसका छोटा हो गया है, क्योंकि बुक इस बार बढ़ गई हैं। क्योंकि बुक है ना, इस बार इसकी 3 बुक एक्स्ट्रा हो गई हैं। कंप्यूटर हो गया है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर दोनों हो गए, तीन सब्जेक्ट इसके बढ़ गए हैं। इस वजह से मैंने इसका दूसरा बैग लेकर के आना है मुझे। तो बस भाई, यही मैंने कि आपको थोड़ी देर आपसे बातें कर ली थी, क्योंकि मैं ना आपसे बातें नहीं कर पाई थी, और 2-3 दिन तो हो ही गए थे, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं बातें नहीं कर पाई थी आपको। छुट्टी अभी एक और आ जाने में, इन्हें अब बनवाना है रायता लौकी का। तो लौकी उबालने के लिए रख दिए, बॉइल करने के लिए रख दिए, लौकी का रायता बनेगा इनके लिए। मैं तो खाऊँगी नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं मक्के की रोटी, वैसे मुझे पसंद है मक्के की रोटी, पर मैं अपने लिए दलिया बनाऊंगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना करा हुआ है। टाइफाइड में मेरे ना ब्लड में टाइफाइड निकला है, मतलब रिपोर्ट में ब्लड टेस्ट कराया था, उसमें रिपोर्ट में टाइफाइड निकला है। तो इस वजह से है ना, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है खाने के लिए। तो बस बीपी भी है मुझे, बीपी की वजह से ही पता, मेरी चाय छूट गई। चाय की तो मेरी वैसे भी इच्छा नहीं थी। अभी 2 दिन पहले तो मेरा इतना सर घूमने लगा था, एकदम कंडीशन ख़राब हो गई, चक्कर आने लगे थे मुझे। एक बार तो मैं गिरने से बच गई थी। फिर ना मैं बीपी चेक करा करके आई थी, यहाँ पास में हमारे एक डॉक्टर तो रहते हैं, उनके यहाँ गई थी मैं बीपी चेक करा कर आई थी। तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था, फिर उन्होंने मुझे कहा था कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। जब मैंने कॉफ़ी वगैरह ली थी ना, उसके बाद में मुझे आराम मिला था। अभी मुझे लग रहा है इतना नहीं है जितना परसों पहले दिन था ना, इतना नहीं है, पर हाँ है, अभी मेरा सर घूम रहा है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि मुझे बीपी भी हो रहा है, इस वजह से मेरा सर घूम रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना क्या हो रहा है। तो बस यही था, मैंने सोचा आपसे बातें कर लेती 2-3 दिन, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई थी बातें करने के लिए। और आज थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, आँखों में दर्द अब भी हो रहा है मेरे, इस वजह से। तो बस यही था, बता दिया मैंने आपको बुक वगैरह के बारे में। रक्षित की आ गई है, रुद्र की और गुल्लू की लेकर के आनी है, बैग वगैरह लेकर के आने हैं। बच्चों के बहुत सारे सामान हो जाते हैं, न्यू सेशन शुरू हो जाता है ना, तो फीस जब भी जानी है अभी। हाँ देखिए, रुद्र की फ़ीस गई है बस खाली, जिसमें से अभी रक्षित की फ़ीस नहीं गई है और उसकी भी नहीं गई है।
गोल, ये तो चलता रहता है क्योंकि हर सेशन न्यू आता है ना, तो हर सेशन में ही यही होता है। तो बस यही था, और बस यही बोलूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। बस चलो मिलती हूँ मैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। और हाँ, मैंने आपको मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले दिखा वीडियो डाली थी मैं अंदर की डबल बेड की 4 बेडशीट लेकर आई थी, जिसमें से एक निकाली है, 3 अभी रख दी हैं मैंने, अभी नहीं निकाली, वो बाद में निकालूंगी क्योंकि एक साल के लिए मैं फ्री हो गई इन बेडशीटों से। और अभी जो बाहर वाला सिंगल बेड है ना, उनकी मुझे लेकर के आनी है, क्योंकि उनकी है ना कलर बहुत बेकार हो गया, क्योंकि देखिए हम धुली हुई लगाते हैं तब भी वो ऐसी ही रहती है, और नहीं लगाते तब भी वो ऐसे ही, पता ही नहीं चलता है हमने धुली हुई लगाई है कैसे लगाई है, तो वो है ना बहुत गंदी गंदी सी लगती हैं। तो मैं 4 बेडशीट अभी बाहर वाले बेड के लिए लेकर आऊँगी, सिंगल बेड के लिए, और आपको मैं दिखाऊंगी, आप लोग बताना कि कैसी लगी है। देखती हूँ आज तो नहीं लाऊंगी, कल परसों में जब भी मैं लेकर के आऊंगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप मुझे बताना कि कैसी लगी है कैसी नहीं लगी है मेरी बेडशीट। तो चलिए यहीं मार्केट वगैरह भी जानी है मुझे बुक वगैरह लेने के लिए। और देखिए यहाँ मैंने बना ली थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, जैसे कि आपने देखा था सुबह मतलब शुरू में, और मैंने मक्के की रोटी बनाई है, मक्के की रोटी मुझे आती नहीं है ऐसी आती है, और मैंने रायता बना दिया इनके लिए लौकी का। उसके बाद में हम गए थे बच्चों की बुक्स वगैरह और टिफ़िन बोतल्स वगैरह लेने के लिए, तो हमने सबसे पहले ली है बोतल और लंच बॉक्स लिया है, तो ये है यहाँ पर, हमने गोलू के पास तो है तो इसलिए गोलू के लिए हमने नहीं लिया है, गोलू के पास में भी स्टील का है इसलिए हमने रक्षित के लिए और रुद्र के लिए लिया है। रक्षित के पास में भी है पर उसके लॉक टूट गए हैं टिफ़िन के, इस वजह से हमने रक्षित के लिए लिया है। और बोतल हमने पानी के तीनों बच्चों के लिए लिए हैं स्टील के ही लिए हैं, लंच बॉक्स भी और बोतल भी दोनों चीज़ हमने स्टील के लिए हैं, तो हम जब भी ज़्यादातर सामान हम इसी दुकान से लेते हैं। और उसके बाद में देखिए हम आगे को आगे हम जा रहे थे बैग लेने के लिए, तो हमने ये जो अंकल जी की दुकान थी ना, ये है छत्ता बाज़ार के अंदर, ज़्यादातर आपने देखा होगा, मैंने आपको बीच में भी दिखाया था कि मैं वहाँ से माता की चुंदरी वगैरह लेकर के आई थी, अभी देखिए वो भी दुकान आएगी जहाँ माता की चुंदरी वगैरह है। तो ये है छत्ता बाज़ार, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स वगैरह यहाँ मिली नहीं थी, बुक्स हमें अभी दूसरी जगह जाना होगा, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी क्या ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि बुक्स वगैरह एक ही पर नहीं मिलती हैं। तो देखिए ये माता रानी की मैं चुंदरी यहाँ से लेकर के गई थी, अभी आपने पीछे दुकान देखी थी, और यही हमने लिया था रक्षित का बैग, स्कूल का बैग लिया था, बैग भी मैं यहीं से लेकर जाती हूँ। बैगों की 2-3 दुकानें देख रखी हैं, कभी यहाँ से ले लेती हूँ कभी वहाँ से ले लेती हूँ जहाँ से मैं लेती हूँ, पर ज़्यादातर मैं यहीं से लेती हूँ, अपने भी हैंड बैग वगैरह जो होते हैं मैं यहीं से लेकर के जाती हूँ, मैं बैग वगैरह यहीं से लेकर के जाती हूँ। तो मैंने रक्षित का बैग यहीं से लिया था, और एक और बैग है ट्रॉली बैग रक्षित के पास में, आप लोगों ने नहीं देखा, जब भी उसे निकालूंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, वो भी मैंने यहीं से लिया था रक्षित का छोटा बैग। तो स्कूल का बैग हम ले रहे हैं रक्षित का यहाँ से, और यहाँ लेडीज पर्स वगैरह सभी बैग मिलते हैं। और हम गए आगे की तरफ चले गए हम, क्योंकि हमें गोलू की और रुद्र की हमें बुक वगैरह लेनी है, तो ये हम गए थे माहौली रोड पर, हमारे मथुरा में माहौली रोड है, और कॉलेज वगैरह की हर स्कूलों की बुक मिल जाती हैं, क्योंकि गोलू की बुक एक जगह से नहीं मिली थी छत्ता बाज़ार के अंदर से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो फिर हम माहौली रोड पर ही गए थे, तो वहाँ से हम लेकर के आए थे बुक वगैरह, तो यहाँ से हम ले रहे हैं बुक। और बहुत भीड़ हो रही थी बुक लेने के लिए, ये नहीं है कि हम ही खड़े थे, इतनी भीड़ थी, और वहाँ पे कम से कम 6-7 दुकानें हैं और सभी पे इतनी भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी बुक वगैरह लेने के लिए। तो अब धीरे धीरे करके बुक वगैरह निकलवा रहे थे, सभी निकलवा रहे थे, तो पहले हमारी रुद्र की बुक निकली थी, उसके बाद में गोलू का सेट बन गया था, दोनों के सेट बन गए थे। और वहीं से फिर हम होली गेट पर आ गए थे, क्योंकि दूर है मौली रोड दूर है, वहाँ से हम होली गेट पर आ गए थे, वहाँ से हमने लिया था तरबूज, क्योंकि रक्षित का मन था तरबूज के लिए, बहुत दिन से बोल रहा था और मेरा जाना नहीं हो पा रहा था मार्केट, तो इस वजह से यहाँ से हमने लिया था तरबूज रक्षित के लिए, फिर सभी ने खाया था। और मतलब अब मार्केट वगैरह है ना, बुक वगैरह यहाँ से हम लेकर के आए थे, इतनी दूर मार्केट है, बहुत ज़्यादा दूर मार्केट वगैरह है बुक वगैरह की, और भीड़ तो इतनी हो रही थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, मतलब जगह खाली होने का नाम ही नहीं था। तब भी हमने ये कि जल्दी से बुक ले ली थी, और तब भी काफ़ी टाइम हो गया था, कम से कम हमें 1 घंटे के आसपास तो हमारा टाइम हो गया था, फिर भी हमने बहुत जल्दी जल्दी बुक्स वगैरह निकलवाई थी। और ये देखिए आप कितनी सुंदर सुंदर साड़ी सूट वगैरह सब लगे हुए हैं इधर,
और ये हम आ गए फाटक पर। ये हमारा फाटक जो मैंने आपको दिखाया था ना, एक बार किरदार जी का मंदिर है, तो ये फाटक पर आ गए हम। और यहीं देखिए, मैंने रक्षित के लिए, शाम का टाइम है, मैंने रक्षित के लिए काट दिया था तरबूज, तो तरबूज खा रहा है, उसे बहुत पसंद है तरबूज। तो ये सभी के लिए मैंने काट के फ्रिज में रख दिया था। और देखिए अंधेरा भी हो गया है, इसमें ऐसा लग रहा है ना कितना दिन है, पर अंधेरा हो गया था, करीबन 7:30 का टाइम हो गया था। और मीठा भी था तरबूज, मीठा भी था। और मैं यहाँ तरबूज काटती हूँ, थोड़ा सा मैंने खाया था, रक्षित को दिया था, इन सब के लिए फ्रिज में काट के रख दिया था। और मैं देखने लगी थी थोड़ी देर सीरियल। और बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।